Hi dear students and friends. Today the topic on which we are going to discuss, that is success. What is success? Success kya hai? Hum logon ko success ko kis tarah janna chahiye? Success ke piche pura duniya bhagti hai. Aaj pura duniya pagal hai. Har ek vyakti apne jeevan mein success pana chahta hai. लड़कियां भी सक्सेस पाना चाहती है, लड़के भी सक्सेस पाना चाहते हैं. हर एक व्यक्ति इस दुनिया में बस सक्सेस क्या चाहते हैं? सक्सेस, सफलता. और ये सफलता है क्या? शायद इसके अलग अलग परिभाषाएं हैं. और हम जानते हैं सक्सेस, अगर आज के समय में समाज में आपको नौकरी मिल गई, आप पैसा कमा रहे हैं, तो शायद लोग आपको कहेंगे वाह, ही इज सक्सेस मैन, ये तो अपने जीवन में सक्सेस कर गया है. फ्रेंड्स, सक्सेस के पीछे पूरा दुनिया भागती है. मनी मैडनेस है, क्योंकि मनी को सफलता लोग बना लिए हैं. और एक पोएम भी है मनी मैडनेस, शायद उसे आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा कि मनी मैडनेस क्या है और सक्सेस क्या है. सक्सेस लोग पैसा कमाना जानते हैं कि पैसा कमा लिए, घर बना लिए, फैमिली एस्टैब्लिश कर लिए, जमीन ले लिए, महल तैयार कर लिए, तो शायद ये सक्सेस का प्रतीक हो जाता है. और वो कहते हैं कि मैं सफल हूँ. बड़े बड़े शो में जाते हैं, बड़े बड़े स्टेज शो करते हैं, और वो अपने आप को समाज में प्रेरणा का स्रोत मानते हैं. फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, उसे हम लोग सक्सेस नहीं कहते हैं. सक्सेस का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन. सक्सेस मीन्स सेटिस्फेक्शन. व्हाट एवर आई एम डूइंग दिस टाइम, आई एम सेटिस्फाइड. This is the type of success. इसे हम लोग, and it is called success. और इसे हम लोग success कहते हैं. मैं chief minister हूँ बिहार का. Suppose मान लेते हैं कि मैं chief minister हूँ बिहार का, लेकिन मैं अपने जीवन से त्रस्त हूँ. मैं success नहीं हूँ. मैं हमेशा ख्वाबों के दुनिया में घूम रहा हूँ. मैं अपने कामों से संतुष्ट नहीं हूँ. मैं अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं हूँ. तो यह कैसे सक्सेस हो सकता है? इसे आप सफलता कैसे मान सकते हैं? फ्रेंड्स, ये सफलता नहीं है. हर एक व्यक्ति कहते हैं कि मेरी सफलता कहाँ है? वेयर इज माई सक्सेस, वेयर इज माई सक्सेस. मे बी दे ऑल आर ट्राइंग टू गेट सक्सेस, दे ऑल आर ट्राइंग टू गेट सक्सेस, लेकिन चाहते तो बहुत कुछ है. नेगेटिविटी क्या है फ्रेंड्स? कि हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे सक्सेस मिले, लेकिन उस सक्सेस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, शायद इस पे ध्यान नहीं देते हैं. स्टूडेंट्स लाइफ में जब होते हैं बच्चे, तो खाते हैं भरपूर और नींद भरपूर लेते हैं. बेड पे जाके अच्छी बिस्तर होनी चाहिए, कराटे की नींद होनी चाहिए, लेकिन उसे यह नहीं सोचने का समय मिलता है कि एक सफल व्यक्ति जो है इस दुनिया में, वो अपने जीवन में यहाँ पहुँचने के लिए कितनी कठिनाई और कितना मुश्किल का सामना किया होगा. साइंस के बारे में वो नहीं सोचते. ये सोचते हैं कि ऐसे ही पढ़ रहा होगा, ऐसे ही डिग्री ले लिया होगा, ऐसे ही सफल हो गया होगा. फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट्स लाइफ में 5 साल 10 साल अगर आप मौज मस्ती पापा के पैसा पे, गार्जियंस के पैसा पे मौज मस्ती दिखाते हैं, तो शायद आपके आने वाले 70 साल, 80 साल, 90 साल, इंटायर लाइफ विल बी इन टू डिफिकल्टीज. ये आपके जो लॉन्ग लाइफ है ना, वो डिफिकल्टीज में चले जाएंगे. परेशानियां ही रहेगी. इसीलिए फ्रेंड्स, ये 5 साल, ये 10 साल जो स्टूडेंट्स लाइफ है, गोल्डन लाइफ है, इस लाइफ को आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाइए, और देखिए लाइफ जो इंटायर रेस्ट ऑफ दैट, जो इंटायर लाइफ है 70, 80, 90 साल, ये हैप्पीनेस के साथ गुजरेगी और आप जीवन भर खुश रहेंगे. आप पे जितने भी मेंबर्स आपके फैमिली के निर्भर हैं, आपके पेरेंट्स निर्भर हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं और आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी लोग आप पे निर्भर हैं, शायद मे बी दे ऑल मस्ट बी हैप्पी. वे सब लोग खुश रहेंगे आपसे, आपके परफॉर्मेंस से, आपके काम से, क्योंकि आपने मेहनत किया और मेहनत करके आपने सफलता पाई. तो आप जो आज सफल हैं, इसके पीछे वो कठिन परिश्रम है, त्याग है, तपस्या है, सेक्रीफाइस है. लेकिन विदाउट सेक्रीफाइस, विदाउट डेडिकेशन, विदाउट डिवोशन, विदाउट हार्डवर्क, वी कांट अचीव
इवन अ बिट पॉइंट ऑफ सक्सेस, एक छोटी सी बिंदु भी आप सफलता का नहीं पा सकते बिना कठिन परिश्रम का। कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप मेरे इन बातों को ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे और जब इम्प्लीमेंट अपने जीवन में करेंगे इस 5-10 स्टूडेंट्स लाइफ को, निश्चित रूप से हार्ड वर्किंग में और स्मार्ट वर्किंग में कन्वर्ट कर दीजिए। और आज के डेट में केवल हार्ड वर्किंग से ही सफलता नहीं मिल जाएगी फ्रेंड्स, आपको स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे, डैम श्योर वन डे यू विल बी एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के सबसे ऊंचाई पौदान पे आप रहेंगे और लोग समाज में आपको एज ए इंस्पिरेशनल सोर्स, प्रेरणा के स्रोत आपको मानेंगे, एग्जाम्पल देंगे, आप उदाहरण के रूप में दिखाए जाएंगे गांव में, वाह देखो कितना परिश्रम किया, हार्ड लेबर स्मार्ट वर्क किया, और दोनों हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करने के बावजूद वो सफलता पा ही लिया और जितने भी लोग उनके घर के हैं सब सेटल्ड हैं, सब खुश हैं। तो ऐसे इंस्पिरेशनल सोर्स आप बन जाएंगे समाज में, तो फ्रेंड्स आपकी जीवन कंप्लीट बदल जाएगी। तो आप इन बातों को ध्यान दें और सफलता सक्सेस के मीनिंग को समझें। केवल पैसा कमाना, आप देखेंगे यह भी समाज में बहुत लोग यूपीएससी पीसीएस पास करते हैं और अच्छे पोस्ट पे काम करते हैं, उनकी शादी होती है, शादी के बाद क्या होता है, डाइवोर्स हो जाती है, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। ये व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेस, ये सफलता का ही परिणाम है, सफलता इसे कहते हैं? नहीं फ्रेंड्स, वो सफल क्योंकि रिजल्ट तो लाया, इंटेलिजेंट था, हार्ड वर्क किया, बट वो अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं था, असंतुष्टि के कारण फ्रस्ट्रेशन आया और फ्रस्ट्रेशन के कारण उसने सुसाइड कर ली, इस जीवन से चले गए। तो जब चले गए इट मीन्स फ्रस्ट्रेटेड एंड इट इज अ टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन है। एंड सक्सेस इसे कह सकते हैं क्या? नो, वी कांट से सक्सेस, हम इसे सक्सेस नहीं कह सकते हैं, सफलता नहीं कह सकते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, डैम श्योर आप सक्सेस हो जाएंगे।